ग्लोमस ट्यूमर, यह नाखून के पीछे या उसके पास होता है, इसमें एक गांठ बन जाती है। अब चूंकि यह गांठ त्वचा के अंदर होती है, इसलिए सामान्यतः मरीज का एकदम से इस पर ध्यान नहीं जाता है। इसका दर्द नाखून से किसी भी चीज के टच होने या ठंडे पानी में अंगुली डालने पर होता है। तो ये पेशेंट हमारे पास बनारस से आए थे, यहाँ का ग्लोमस ट्यूमर था, बहुत दर्द रहता था, 4 साल से परेशान थे। इनसे पूछते हैं ये इतनी दूर हमारे पास कैसे आए, इनको हमसे ट्रीटमेंट में क्या फ़ायदा है, हमने इनको ऑपरेशन से पहले क्या बताया था, परसों ऑपरेशन हुआ है, आज छुट्टी कर मतलब कल ही छुट्टी कर दी थी अगले दिन, और आज घर जा रहे हैं वापस, इनको आने से पहले क्या क्या टेंशन थी, यहाँ पे हमारा सेंटर देखने में इनको दिक्कत हो रही थी क्या कोई, और इनको हमसे इतनी दूर करा के हमसे ही ऑपरेशन क्यों कराया, बाकी लोग इसके बारे में क्या बता रहे थे। ठीक है अनन जी, आप अपने बारे में बता दो, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हम मतलब यहाँ पे आए तो मतलब बहुत तेज दर्द रहता था हमको, तो हम यूट्यूब पे सर्च मारते थे कि कैसे होगा क्या होगा, तो फिर आपके बारे में पता चला, हमको सर्च मार के देखे तो आपका मतलब आ गया, तो हम बस आपको कॉल किए, तो वही हम तो हमने उठा लिया था फोन आपका। हाँ आप उठा लिए थे, हमसे बात भी हुआ, बोले आप आ जाइएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आ जाइए। तो आपको ऐसा नहीं लगा डॉक्टर साहब आने से पहले हमें 10 चीजें तो बताओ, ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितने पैसे लगेंगे, कैसे नहीं, आना नहीं, है, कितना रुकना है, नहीं, ऐसा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता? नहीं नहीं। तो ऐसे बहुत सारे जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछते तो क्या आप हमारे पास आ पाते? नहीं। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? बहुत सारे लोग पेशेंट देखे नहीं देखे? हाँ, बहुत सारे, बहुत दूर से सब आ रहे हैं। हाँ। और आना ही चाहिए सबको, मतलब जिसको भी जो दिक्कत है सबको आना चाहिए। अगर कोई हमसे फोन पे सारे क्वेश्चन पूछे, सर बताओ ठीक होगा नहीं होगा, सर हम इतनी दूर नहीं आएंगे, हम तो यहीं पे दवाई दे दो, तो वो उसमें क्या गलती करते हैं? नहीं, आके ही मतलब सोल्यूशन होगा ना, पता चलेगा कि कैसे होगा क्या। और यहाँ पर आकर अच्छी फीलिंग आती है ना कि हमसे भी बेकार बेकार पेशेंट है, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। नहीं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा हमको भी यहाँ पे आके। ऑपरेशन में दर्द हुआ था आपको कोई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें दिखाओ कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट। कितनी देर में ऑपरेशन हो गया था? लगा होगा 10-20 मिनट लगा होगा। 20 मिनट लगा होगा, 4 साल की प्रॉब्लम 20 मिनट में हमने ठीक कर दी। हाँ। और कोई ज़्यादा पैसे लिए गए आपसे? नहीं नहीं। लेकिन ये माइक्रो सर्जरी होती है, ज़्यादातर जो माइक्रो सर्जरी होती है वो एडवांस सर्जरी होती है, और उसके कारण हम प्रिसीजन, एक्सपीरियंस और क्वालिटी और जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी नसों को बिना खराब किए ऑपरेशन करते हैं, और उसी का कारण है कि पेशेंट का जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छा है और ठीक है और दर्द बिल्कुल नहीं है। पहले कितने टाइम दवाइयाँ खाती थी आप मैडम? मतलब अभी दिए थे आप? नहीं अभी नहीं, पहले। पहले तो 1 साल डॉक्टर बोले, मतलब हम जाते थे डॉक्टर के पास तो बोलते थे इन्फेक्शन है, पानी में हाथ मत डालिए, सरफ साबुन में ये सब हाथ नहीं डालना है, बस आपको 1 साल दवाई चलाना है। तो हम बस दवाई खाते गए, 6 साल हुआ पूरा, तो रात रात सोते नहीं थे, एकदम इतना झटका तेज तेज आता था, एकदम दर्द रहता था। तो वही बताते थे 1 साल दवाई खाना पड़ेगा, इन्फेक्शन है ठीक हो जाएगा, कोई ठीक नहीं होता था, दवाई खाते थे तब भी दर्द बहुत तेज रहता था। और हमने सिर्फ 5 दिन की दवाई। हाँ, और एक बार भी मुझे दर्द मतलब कुछ समझ में नहीं आया, एकदम लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है मुझे। क्या बात है। हाँ। तो ये चीज़ है मैडम जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा ट्रीटमेंट कराया, हम पे विश्वास किया, माइक्रो सर्जरी कराई और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करी। जब कोई पेशेंट हमें ऐसे बोलता है कि हम 6 साल से दवाई खा रहे थे फिर भी नींद नहीं आती थी, दर्द रहता था और काम करने में दिक्कत थी और अंगूठा यूज़ नहीं कर पाती थी, और फिर हम आपको पता भी नहीं चला कब ठीक हो गया, 15 मिनट में दवाई भी नहीं दी और ये जादू हो गया एक टाइप का, तो थैंक यू सो मच कि आप सब लोग इस चीज़ का ट्रीटमेंट हमारे पास भरोसा लेकर आ रहे हो।